नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। मुंबई में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.5 रही तीव्रता। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के प्रमुख सचिव बने नितीश्वर कुमार। पंजाब चंडीगढ़ में कोरोना बेकाबू, केंद्रीय टीमें करेंगी मदद। बीजेपी ने शिवसेना पर किया हमला, कहा अहमदाबाद को छोटा पाकिस्तान कहकर संजय राउत ने गुजरात का किया अपमान। तस्करों की कार रोकने के दौरान राजस्व खुफिया विभाग के 2 अधिकारी हुए जख्मी। जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 1 की तस्वीरों से चंद्रमा के ध्रुवों पर जंग लगने का संकेत मिला। 2021 की शुरुआत में लॉन्च हो सकता है भारत का चंद्रमा मिशन चंद्रयान 3। कोलकाता के कमारहाटी में देसी बम विस्फोट, 2 लोगों की मौत व 1 गंभीर रूप से घायल। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में बारिश के बाद इमारत ढही, 2 लोगों को बचाया गया। भारत बांग्लादेशी सीमा पर बीएसएफ ने बांग्लादेशी तस्कर को किया ढेर। कोरोना वायरस की पहचान और रोकथाम के लिए आईआईटी गुवाहाटी ने तैयार की विशेष सतह। जोकोविच ने गुस्से में मारी लाइन, जज को गेंद, यूएस ओपन से किए गए बाहर। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहलवान राहुल अवारे कोरोना पॉजिटिव। यूएस ओपन 2020 के 4th दौर में पहुंची सेरेना, भारत को उम्मीद, रोहन बोपन्ना भी क्वार्टर फाइनल में। कोरोना पॉजिटिव पाए गए पहलवान दीपक पुनिया को डॉक्टर्स ने दी होम क्वारंटीन की सलाह। कोरोना वायरस महामारी के बीच फुटबॉल मैच देखने पहुंचे 45 सुदर्शक। राष्ट्रपति ट्रंप ने लड़ाई में मारे गए सैनिकों को कहा था लूजर और सकर, अमेरिका में कोहराम। हांगकांग में चुनाव टल जाने पर जोरदार प्रदर्शन, पुलिस ने 289 लोगों को किया गिरफ्तार। श्रीलंका के तेल टैंकर में आग बुझाने में जुटे सिंगापुर की कंपनी के विशेषज्ञ, 4 दिन से जल रही है आग। डोनाल्ड ट्रंप को अपमानजनक संदेश भेजने वाले पूर्व एफबीआई एजेंट को मिल रही धमकियां। जर्मनी ने कहा कि रूस के विपक्षी नेता नवालिनी को जहर मामले में रूस पर लगा सकते हैं प्रतिबंध। जापान के तट से टकराया तूफान हैशहैन, तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। चिली में 1 सप्ताह में 2री बार महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर 6.3 थी तीव्रता। 3 ट्रेनों से सहारनपुर रेलवे ने कमाए 85 रुपए, एग्जाम स्पेशल ट्रेन को नहीं मिला 1 भी यात्री। दिल्ली में 169 दिन बाद आज फिर से चल गई मेट्रो।